हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मैथ की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। PT1 यानी पीरियोडिक टेस्ट 1 एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए क्लास 4। पहला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली जगह भरिए। इसका पहला क्वेश्चन है, 1 आवर इज इक्वल टू मिनट्स यानी एक घंटा कितनी मिनट्स के बराबर होता है। तो इसका जवाब है 60, यानी एक घंटा 60 मिनट के बराबर होता है, या एक घंटे में 60 मिनट होती हैं, यह भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, 1 मिनट इज इक्वल टू सेकेंड्स, 1 मिनट यानी एक मिनट कितने सेकंड के बराबर होती है। तो 60 सेकंड के बराबर होती है, यानी एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अगला प्रश्न है, 50,000 प्लस 2,000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 5, इनको प्लस करके टोटल कितना होगा। तो ये टोटल हुआ 52,325। अगला प्रश्न है, 7, 14, 21 खाली जगह 35, राइट द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर लिखना है। तो बच्चों, यह 7 की टेबल है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। तो जो मिसिंग नंबर है वो क्या है, 28 है। अगला प्रश्न है, 150, 200, 250, 300, राइट द नेक्स्ट नंबर। तो अगला नंबर क्या होगा, तो हर बार 50 50 प्लस होता जा रहा है, तो अगला जो नंबर है वो होगा 350। अगला प्रश्न है, राइट 1 लाख इन वर्ड्स, इसको 1 लाख को जो नंबरिंग में लिखा हुआ है नंबर में, उसको वर्ड्स में लिखना है। तो 1 लाख, K L A K H। अगला प्रश्न, आंसर द फॉलोइंग, ड्रॉ द हैंड्स टू शो द गिवन टाइम, जो टाइम दिया हुआ है उसको दिखाने के लिए मिनट और आवर हैंड दिखाने हैं, यानी घंटे की और मिनट की सुई दिखानी है। तो यहाँ पर कितना बचता है, 12, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 9। तो यहाँ पर हमें 3 बजे दिखाना है। तो जो घंटे वाली सुई होगी वो कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, और जो मिनट वाली सुई होगी वह है इधर होगी। इस तरह से कर सकते हैं। अगले जो वॉच है उसमें 9:05 दिखाने हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, 12, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9। तो इसमें दिखाना हमें 9:05। तो जो घंटे वाली सुई है वो 9 पर होगी, और मिनट वाली जो सुई है वो इस तरह से होगी, थोड़ा सा और इसको ऐसे करेंगे, इस तरह से होगी। तो 9:05, इस तरह से दिखा सकते हैं। यहाँ पर नंबरिंग भी लिख सकते हैं हम, 3, 12, 6, 9, ऐसे इसमें भी लिख सकते हैं नंबर सारे। और इस तरह से मिनट एंड एंड आवर हैंड बनाएंगे, घंटे और मिनट वाली सुई बनाएंगे। अगला प्रश्न, राइट द डेट्स इन नंबर, यानी जो डेट लिखी हुई हैं इनको नंबर में लिखना है। तो 20 जुलाई 2009, तो इसको लिखेंगे 20 जुलाई 2009, इस तरह से। अगला है, 8 जून 2007, तो 8 जून 8, ऐसे भी कर सकते हैं। जून कौन सा महीना होता है, 6 होता है, तो 8 6 2007, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, आंसर द फॉलोइंग, मेजर द गिवन लाइन सेगमेंट एंड राइट द वैल्यू, यानी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचनी है। तो इस तरह से आप स्केल से नाप करके 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच सकते हैं, और पॉइंट भी लिख सकते हैं, पॉइंट ए पॉइंट बी, इस तरह से पॉइंट ए पॉइंट बी, और यहाँ पर लिख देंगे 5 सेंटीमीटर, 5 cm। अगला प्रश्न, आंसर द फॉलोइंग, व्हाट इज द टाइम इन द वॉच, वॉच में क्या टाइम हो रहा है। तो आप देख सकते हैं वॉच को, वॉच में टाइम हो रहा है 10:10,
तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे टेन टेन ए एम, इस तरह से, यानी 10:10 हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, ड्रॉ अ क्लॉक एंड हैंड्स फॉर द गिवन टाइम, यानी जो टाइम दिया हुआ है उसके लिए क्लॉक ड्रॉ करनी है और उसको टाइम 6:20 दिखाने उसमें। तो मान चलो ये वॉच है और इसमें 6:20 दिखाना है, तो यहाँ पर 12, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9, तो हमें जो घंटे वाली सुई है, आवर हैंड है, वो 6 की तरफ होगा और जो मिनट हैंड है उसमें 20 दिखाने हैं, तो मिनट वाली सुई आपके यहाँ पर होगी। तो इस तरह से ये 6:20 हुए। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स इफ़ 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यदि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं या 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, देन यानी तब 5 मीटर इज इक्वल टू, 5 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, तो 5 मीटर हो जाएगा 500 सेंटीमीटर के इक्वल, 500 सेंटीमीटर के इक्वल। 3 मीटर इज इक्वल टू, तो 3 मीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल होगा, 300 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। अगला प्रश्न है, एबिलिटी टू कंप्यूट यानी गणना करने की गिनने की क्षमता से संबंधित, ड्रॉ द लाइन टू मैच, ड्रॉ लाइन मैचिंग करनी है, मैच वाला क्वेश्चन है। 100 में से 1 माइनस करेंगे, 100 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 99। तो इसको कहाँ पर मैच करेंगे, 99, 99 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 100, 9 मल्टीप्लाई 9 तो 81, 99 जा 81 होगा जो नीचे है, 15 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 15 होगा, 100 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 100 ही बचेगा, और 10 मल्टीप्लाई 10 तो क्या होगा 100 ही होगा, 9 का 0 से या 0 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। अगला है इसमें 1, 10 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 10 ही होगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 10, तो ये इससे 10 से मैच हो जाएगा, और 9×9 यानी 9 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 हो जाएगा, 81 ये रहा आपका। अगला प्रश्न है, आंसर द फॉलोइंग, अंशु बॉट एप्पल्स, अंशु ने एप्पल खरीदे और 37 रुपीज़ के एप्पल खरीदे और 21 रुपीज़ की बनाना यानी केला खरीदी, हाउ मच डिड सी पे फॉर बोथ एप्पल्स एंड बनाना, उसने एप्पल और बनाना पर कितना रुपया खर्च किया। तो इसमें हम क्या करेंगे, 37 एप्पल कितने के खरीदे, 37 के, और बनाना 21 के, इनको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो 7×1 8 और 3×2 5 यानी 58 रुपीज़ पे किए। तो अंशु ने कितना रुपया खर्च किया बनाना और एप्पल पर, 58 रुपीज़, 37 के एप्पल खरीदे और 21 की बनाना। तो इस तरह से 37 + 21 7 + 1 8 और 3+2 5, 58 रुपीज़ पे किए। अगला प्रश्न है, 1 bus carries 48 children, हाउ मैनी चिल्ड्रन कैन 3 buses carry, यानी एक बस में 48 बच्चे, एक बस 48 बच्चों को कैरी करती है, ले जाती है, तो 3 bus कितने बच्चों को ले जाएंगी। तो इसका क्या करेंगे बच्चों, 48 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 48×3 यानी एक बस कितने बच्चों को ले जाती है, 48 को, तो 3 bus कितने बच्चों को ले जाएंगी, तो 3 से 48 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3×8 = 24 हासिल 2, 3×4 = 12 और 2×14
तो 144 बच्चों को कैरी करेंगी तीन बस। अगला प्रश्न है बच्चों, राइट अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाई 2, 3 एंड 5 एंड कम्स बिटवीन 25 एंड 35। यानी उस नंबर को लिखना है जो 25 और 35 के बीच आता है, बीच में आता है, बिटवीन आता है, और 2, 3, 5 से जिसको डिवाइड किया जा सकता है। तो वह नंबर है आपका 30। इस 30 को 2 से भी डिवाइड किया जा सकता है, 3 से और 5 से। तो जो करेक्ट आंसर है वो है 30। अगला प्रश्न है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी से रिलेटेड, यानी समस्या को सॉल्व करने से संबंधित प्रश्न है। फिल इन द ब्लैंक्स, यानी 25 में कितना प्लस करें कि 40 हो जाएगा। तो 25 में हम कितना प्लस करेंगे, 15। 25 प्लस 15 इक्वल 40। द सम ऑफ 8 एंड 37 इज, यानी 8 और 37 का सम यानी टोटल कितना होगा। तो 8 और 37 कितना होगा, 45। 37 और 8 कितना होगा, 45। अगला प्रश्न है सॉल्व द फॉलोइंग, व्हाट नंबर्स कैन यू मेक यूजिंग 3, 5 एंड 7। यानी 3, 5 और 7 का यूज करते हुए क्या नंबर बन सकता है। तो कई सारे नंबर बन सकते हैं, 357, 537, 735, 753, ऐसे ही और भी बनाए जा सकते हैं काफ़ी। अगला प्रश्न है बच्चों, फैक्ट्री मेड 270 बल्ब्स ऑन द फर्स्ट डे, यानी फैक्ट्री ने 270 बल्ब पहले दिन बनाए और 123 बल्ब्स इन सेकेंड डे, और दूसरे दिन 123 बल्ब बनाए दूसरे दिन। हाउ मैनी बल्ब्स डिड द फैक्ट्री मेक एल टुगेदर, फैक्ट्री ने दोनों दिन कितने बल्ब बनाए एल टुगेदर, यानी एक साथ, यानी दोनों दिनों में कुल कितने बल्ब बनाए फैक्ट्री ने। तो इसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, 270 प्लस 123, तो 3 3 और 2 7 9 और 2 1 3। तो आंसर क्या होगा, 393। दोनों दिन फैक्ट्री में कितने बल्ब बनाए, 393, 0 3 3 2 और 7 9 और 2 1 3। तो दोनों दिन कितने बल्ब बनाए फैक्ट्री ने, 393। अगला प्रश्न है बच्चों, द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल इज 80 रुपीज, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 4 लीटर ऑफ पेट्रोल। यानी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 80 रुपये है, तो 4 लीटर पेट्रोल की कीमत क्या होगी। तो इसमें क्या करेंगे, हम 80 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 1 लीटर पेट्रोल कितने रुपए का है, 80 का, 80 का तो 4 लीटर पेट्रोल कितने की होगी, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 8 जा 32 और 0, यानी 320 रुपीज की हुई 4 लीटर पेट्रोल। अगला प्रश्न है, राइट द प्लेस एंड प्लेस वैल्यू फॉर डिजिट 2 इन द गिवन नंबर, यानी जो नंबर दिया हुआ है 2, यहाँ पर इस 2 का प्लेस क्या है। तो 2 का प्लेस है बच्चों 100, प्लेस में क्या लिखेंगे, 100, और प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू क्या है, इसकी प्लेस वैल्यू है 200। अगला प्रश्न है, इसमें भी 2 का प्लेस लिखना है, तो 2 का प्लेस है यहाँ पर 1000, ऐसे लिख सकते हैं 1000, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं TOUSAND, 1000, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और प्लेस वैल्यू क्या है 2 की, यहाँ पर 2000, 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, 2000। अगला प्रश्न है, और इस तरह से वर्कशीट आपकी सॉल्व हो गई है। ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू, जय हिंद।